मानस योग। इस शीर्षक के अंतर्गत हम सीखेंगे जीवन जीने की कला। मन हमारा अत्यंत चंचल है, उसे काबू में करना पवन को रोकने जैसा दुष्कर है। हाँ, उसे कुछ समय के लिए सही मार्गदर्शन के द्वारा शांत कर सकते हैं। यही क्रिया है मानस ध्यान की। आइए हम जीवन को भीतर से समझें। मानस योग। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य शांति से विचलित हो रहा है। अपने आप से, अपनी इच्छाओं से, अपनी भावनाओं से उलझ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में अगर जाए तो कहां जाए, शांति प्राप्त करे तो कहां करे। इसलिए वो छुट्टियां लेकर सैर सपाटे पे निकल जाता है, कहीं क्लबों में, कहीं पार्टियों में, कहीं उत्सवों में अपने आप को घोलता हुआ चला जाता है। पर इसके पश्चात उसे शांति नहीं मिलती है। उसकी दशा उस कस्तूरी मृग की भांति हो जाती है जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है, और जीवन भर वो भटकता ही रहता है। ठीक इसी प्रकार से आज के मनुष्य की यही दशा है। क्या शांति जंगलों में है? क्या शांति पर्यटक स्थलों में है? क्या शांति क्लबों में, पार्टियों में और उत्सवों में है? नहीं, शांति हमारे ही भीतर है और हम उसे पा सकते हैं। अब आप किसी भी स्थिति में बैठे हो या शवासन की स्थिति में हो, लेट जाए और केवल सांसों सांस पर ध्यान करें। सांस आ रही है, सांस जा रही है, विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं। सांसों को रोकना नहीं है, ना ही विचारों को रोकना है और ना ही विचारों पर ध्यान केंद्रित करना है। सांसों के आवागमन पर केवल दृष्टा भाव रखते हुए देखते रहना है। कभी गहरी सांस आएगी तो कभी गहरी सांस जाएगी, कभी छोटी सांस आएगी और छोटी सांस चली जाएगी। केवल दृष्टा भाव के साथ सांसों के आवागमन पर केवल ध्यान बनाए रखें। सांस आ रही है, सांस जा रही है, विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं। अब धीरे धीरे गहरी सांस भरे जो पेट तक जाए,
उसे 5 सेकंड के लिए रोके। अब धीरे धीरे छोड़े और उसे बाहर ही 5 सेकंड के लिए रोक दे। फिर से पेट में सांस भरते हुए 5 सेकंड के लिए उसे रोक दे। धीरे धीरे छोड़ते हुए जाए और जब पूरी सांस छूट जाए तब उसे बाहर ही रोक दे। ऐसा अभ्यास करते चले जाए, सांस को गहरी ले, रोके, धीरे धीरे छोड़े, पूरी छूट जाए सांस, उसे बाहर ही रोक दे। फिर गहरी सांस भरे, रोके, धीरे धीरे छोड़े, अब उसे बाहर ही रोक दे। अभ्यास करते जाए। इस प्रकार से सांसों सांस पर ध्यान करते हुए शरीर को शिथिल करना है। अपने दोनों पैरों की उंगलियों अंगूठों पर ध्यान ले जाए। धारणा करे कि उंगलियां अंगूठे शिथिल हो रहे हैं। महसूस करे, अनुभव करे। गहरी सांस लेनी है, रोकनी है, धीरे धीरे छोड़नी है, बाहर ही रोकनी है। फिर गहरी सांस लेते हुए तलवों को, एड़ियों को शिथिल करते जाए और सांस को रोककर उसे अनुभव करें। फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ना है, उसे बाहर ही रोक देना है। फिर गहरी सांस लेनी है, तब धीरे धीरे दोनों पैरों के ऊपर की तरफ शिथिल करते हुए आगे बढ़ना है। सांस को रोकना है, अनुभव करना है कि शिथिल हो रहे हैं अंग, सभी अंग शिथिल हो रहे हैं। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए बाहर ही रोक लें।